गाइस वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइव साइट विजिट अगेन। मैं रवि विशिष्ट एक बार फिर से आपको लेके आया हूँ एक बेहतरीन साइट विजिट के ऊपर। जी हाँ, आज का जो हमारा कंसेप्ट है एक लग्जरियस कंसेप्ट रहने वाला है, लेकिन एज अ फार्म हाउस कंसेप्ट के साथ में। तो गाइस दोनों का मिक्सचर रहेगा आज, एक लग्जरी कंसेप्ट भी आपको फार्म हाउस के कंसेप्ट के अंदर मिक्सचर दिखेगा। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ से 15 मिनट की ड्राइव आप कह सकते हो इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो। एक अप्रोक्सीमेट 2.5 एकड़ का फार्म हाउस कंसेप्ट आपको मिलने वाला है जो कि रजिस्टर्ड है पंजाब फार्म टूरिज्म के अंडर। तो गाइस इसकी जो डिजाइनिंग की है उनको आप बखूबी पहचानते हैं, ठीक है। काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने पहले हमारी वीडियो, मिनी रिजोर्ट न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी आप लोगों को कंसेप्ट शो किया था हमने। तो गाइस उन्हीं का ये कंसेप्ट है बागे फुर्सत। जी हाँ, बागे फुर्सत आप देख सकते हैं, नाम से ही खास पहचान नज़र आएगी। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मिस्टर हरप्रीत सिंह जी कि वो अपने इस कंसेप्ट के ऊपर हमें ब्रीफ के अंदर डिटेल दें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें इस अपने प्रोजेक्ट के बने। वेलकम सर। हेलो। तो सर को आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। सर का कंसेप्ट आपने पहले भी इंजॉय किया है, देन ये भी कंसेप्ट आप भूल नहीं पाएंगे, इसको भी डेफिनेटली बहुत सारा प्यार देने वाले हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया बागे फुर्सत सर की डिजाइनिंग है, सर की प्लानिंग है। तो सर इस कंसेप्ट के बारे में, जैसे आपने मिनी रिजॉर्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसी तरीके से मैं चाहूँगा इसको भी आप ब्रीफ करें। ज़रूर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्म हाउस। जैसा कि रवि जी ने बताया, बागे फुर्सत हमारे फार्म हाउस का नाम है। नाम से ही आपको लगेगा कि कोई अच्छी सी पीसफुल रिलैक्सिंग एरिया है, जगह है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के कुछ साल पहले शुरू किया था एज ए फैमिली डेस्टिनेशन ऑन वीकेंड्स, जहाँ पे फैमिलीज़ चिल्ड्रन आके इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें। उस कॉन्सेप्ट से हमने इसको विजुलाइज़ किया आज से कुछ साल पहले, एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा कॉन्सेप्ट रहा, बहुत ज़्यादा लाइक हुआ सभी के साथ। हम इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं जी वीकेंड पे, और हम इसको पंजाब फार्म टूरिज्म के हिसाब से हम इसको प्रमोट भी करते हैं फॉर विजिटर्स टू कम एंड रिलैक्स एज आवर फैमिलीज़ दे आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इवन फॉरेन से आके वो यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। आइए मैं आपको अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आइए सर, आइए सर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फार्म हाउस का पार्किंग एरिया है। ये हमने फार्म हाउस इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आप पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद आपको एक जगह हो, एक रिलैक्सिंग स्पॉट हो, जहाँ पे आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप एंजॉय कर सकें, और नेक्स्ट वीक के लिए पूरे एनर्जी लेवल से आप अगेन तैयार हैं अपने काम को आगे अंजाम देने के लिए। ये हमारे फार्म हाउस का छोटा सा पार्किंग एरिया है जो कि एक पर्सनलाइज्ड पार्किंग यूज़ कर रहे हैं हम, एंड ये सारा जो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है विद ओपन गार्डन कॉटेजेस, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है टू एंटर इनटू आवर गार्डन, जहां से हमें पूरा एक फार्म हाउस का अपना व्यू मिलता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ का गार्डन है जो हम गेट टुगेदर के लिए, फंक्शंस के लिए, अपने बैठने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके चारों तरफ हमने एक पाथवे बनाया हुआ है टू मूव अराउंड, टू हैव मे बी यू कैन डू साइकिलिंग ऑल्सो, वॉकिंग ऑल्सो। तो पूरा एरिया एक इससे, इस पाथवे से कवर हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 रूम्स हैं जो कि 4 कॉटेजेस के हिसाब से हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। डबल स्टोरी कॉटेजेस में वी हैव 4 इंडिपेंडेंट रूम्स और सिंगल स्टोरी में वी हैव 2 इंडिपेंडेंट रूम। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 कमरे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और आपस में कुछ कमरे हमने ज्वाइन भी किए हुए हैं, सो दैट एक फैमिली विद किड्स वो आप उसको क्लब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हमारा जो फोर्थ जो ब्लॉक है वो हमारा डाइनिंग एरिया है, कॉमन लाउंज एरिया है, और उसमें बेसमेंट में हमें, हमारे पास उसमें इंडोर गेम्स भी हैं। ये पूरा गार्डन, इवन हमारे बच्चे और एनी मतलब हमारे फ्रेंड्स वगैरह, ये सारा आउटडोर गेमिंग के लिए, इवन क्रिकेट के लिए एट नाइट,
विद बाई यूजिंग दीज फ्लड लाइट्स, ये पूरा एक प्लेग्राउंड भी बन जाता है। तो एक मल्टीपर्पज़ एरिया काइंड डिफाइन हो जाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमने वास्तु के हिसाब से भी बनाया हुआ है, वास्तु को माइंड में रखते हुए, सो दैट ये टुवर्ड्स द ईस्ट साइड हमारा ये बुद्धा हमने स्टैचू लगाया हुआ है टू गिव इट अ काम लुक, एक ऑरा बनाने के लिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं इस गार्डन में कंसिडरिंग द स्टैचू ऑफ बुद्धा ऑन द ईस्ट साइड। ये जो पाथवे है ये हम वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इवन साइकिलिंग भी हो सकती है। इस वॉकवे के थ्रू हमने दोनों तरफ ट्रीज लगाए हुए हैं जो कि पूरे फार्म हाउस की एक लुक को एनहेंस करते हैं, इसको एक फार्म हाउस की एम्बियंस क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड कुछ हमने यहाँ पे गार्डन में फर्नीचर मेटल में क्रिएट किए हुए हैं, तो एक और कुछ रिलैक्सिंग हमने बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह का प्रयोग किया हुआ है, सो दैट एक गार्डन का लुक आए, एक एम्बियंस आए फार्म हाउस की। ये जो पाथवे आप देख रहे हैं ये हमने स्टैम्प्ड कॉन्क्रीट को यूज़ किया हुआ है इसको क्रिएट करने के लिए, जो कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देता है इस तरीके के फार्म हाउस में एज ए पाथवे, स्टैम्प्ड कॉन्क्रीट। कुछ फीचर्स हमने मेटल में क्रिएट किए हुए हैं स्कल्पचर्स, जितना भी मटेरियल हमने, जितने भी ब्लॉक्स हमने यूज़ किए हुए हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सारे एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट ब्लॉक, हॉलो ब्लॉक को यूज़ किया हुआ है, एक उसको रॉ फील देने के लिए, एक उसको फार्म की अलग से लुक लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये हमने अपने फार्म में एक बर्ड हाउस क्रिएट किया हुआ है इन मेटल एंड वुड। यहाँ पे बर्ड्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम उनको फीड करते हैं, एक एक फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट में जहाँ पे नेचुरल बर्ड्स आए उसको एनहेंस करने के लिए, उसको और अप्रिशिएट करने के लिए हमने ये किया है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, पूरा जो गार्डन का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो पानी की साउंड है, बर्ड्स की चर्पिंग साउंड है, वो आपको बहुत ही लुभाती है, आपको आपके माइंड को आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फार्म हाउस बागे फुर्सत। यहाँ पे बैठे हुए आपको पूरा ये गार्डन का कंप्लीट व्यू नज़र आता है। यहाँ से सामने हमने, जैसे आप देखेंगे, हमने एक बारबेक्यू स्टेशन, आउटडोर बारबेक्यू स्टेशन एंड पिज़्ज़ा ओवन स्टेशन हमने क्रिएट किया हुआ है। ऐसे ही हमने एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में एक विंडमिल का फीचर क्रिएट किया हुआ है, इसको एक और एम्बियंस को हाईलाइट करने के लिए, फार्म हाउस के लुक को और हाईलाइट करने के लिए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल काइंड ऑफ एक फीचर है इस फार्म हाउस का। फ्रेंड्स, हमारा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक फीचर है विच इज़ अ इन्फिनिटी एज स्विमिंग पूल। ये एक प्रॉपर स्विमिंग पूल है फॉर एक्सरसाइजिंग एज वेल एज फॉर एंजॉयमेंट ऑफ द होल फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट लॉन्ग ये हमारा स्विमिंग पूल है, अबाउट 20 फीट वाइड, और उसमें हमने संकन सिटिंग एरिया एज ए बार हमने बनाया है। ये जो वाटर है ये इट गिव्स यू एन इन्फिनिटी एज कॉन्सेप्ट टू द पूल, एंड नाइट में ये विद लाइटिंग इट गिव्स यू अ वंडरफुल इफेक्ट, वंडरफुल साउंड ऑफ द वाटर विच रिलैक्सेस योर नर्व्स। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा गार्डन का व्यू, पानी के थ्रू आप एक विजुलाइज कीजिए, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही अमेजिंग एक कंट्रास्ट आपको ब्लू कलर और ग्रीन कलर का और उसके ऊपर स्काई का एक नज़र आता है, बहुत ही एंजॉयबल व्यू, बहुत ही रिलैक्सिंग व्यू। ये हमारा एक कॉमन सिटिंग एरिया है नेक्स्ट टू द पूल, और यहाँ पे हमने इसको पार्टली कवर किया हुआ है एक गजीबो से जो कि एक मेटल और वुड का स्ट्रक्चर है। इसके नीचे हमने ये मेटल में, रॉट आयरन में, वाइट कलर में सिटिंग एरिया डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से बैठ के आपको नेक्स्ट टू द स्विमिंग पूल एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, आप पूरे का पूरा एक व्यू आपको मिलता है फार्म हाउस का एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बातें करने के लिए।
मेरे पीछे जो स्पेस है ये हमारा कॉमन लाउंज एरिया एंड डाइनिंग एरिया है विद किचन। फ्रेंड्स ये हमारा कॉमन एरिया है, ये हमारा लाउंज एरिया है फॉर सिटिंग विद व्यू ऑफ द टीवी। यहाँ से भी आपको बाहर का अपने फार्म हाउस का स्विमिंग पूल का पूरा एक व्यू मिलता है। आप अपने आप को फार्म हाउस का पार्ट रिलेट करते हैं जब आप अंदर भी हैं तो भी। ये हमारा एक डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल, और जिसकी के किचन से सर्विस होती है। जब भी आप आते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आपको प्रॉपर फूड प्रोवाइड होता है प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू। लाउंज का ही पार्ट है ये पोकर टेबल, जहाँ से आपको अगेन स्विमिंग पूल का और पूरे गार्डन का व्यू आता है। आप यहाँ पे बैठ के पोकर के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। इसी लाउंज के साथ कनेक्टेड हमारा एक छोटा सा पाउडर रूम है, वॉशरूम, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी सीलिंग है हमने इसको एक रॉ लुक लेने के लिए, थोड़ा कलरफुल लुक लेने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, और रोप्स के साथ कुछ डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है। कुछ एंटीक लाइटिंग और फैन का कॉन्सेप्ट भी मैंने यूज़ किया हुआ है। ये जितना हमारा लाउंज एरिया है ये बाहर के डेक के साथ, स्विमिंग पूल एरिया के साथ, ये स्लाइडिंग डोर से कनेक्ट हो जाता है। एक पार्टी टाइम पे आप इसको पूरा खोल के आप एक इसको इंडोर आउटडोर स्पेस को क्लब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी लाउंज के साथ कनेक्टेड हमारा बेसमेंट में एक इंडोर गेम्स एरिया है, जहाँ पे चिल्ड्रन कैन एन्जॉय प्लेइंग गेम्स, पूल टेबल, कैरम बोर्ड, टीटी टेबल, लाइक दैट, ऑल इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ हमने बेसमेंट में दी हुई हैं। इस पाथवे में हमने कुछ आर्ट वर्क का डिस्प्ले किया हुआ है। स्काई लाइट से हमने पूरी एक इसको लाइट लेने की कोशिश की हुई है, सो दैट प्रॉपर लाइट और एक प्रॉपर एम्बियंस बना रहे। बेसमेंट में हमने कुछ इंडोर गेम्स को यूज़ किया है फॉर किड्स टू प्ले। उसमें टीटी टेबल है, पूल टेबल है, कैरम बोर्ड है, कुछ हमने जिम की मशीन्स भी रखी हुई हैं, सो दैट वंस यू आर हेयर आप अपना अपने जो आपका रूटीन है एक बॉडी बिल्डिंग का, वो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकें। वॉल्स के ऊपर हमने कुछ आर्ट वर्क का डिस्प्ले किया हुआ है टू एक इसको एम्बियंस देने के लिए एज ए इंडोर गेमिंग हॉल। तो फ्रेंड्स ये कॉमन एरिया के बाद ये एक हम छोटे से गार्डन में आ गए, जहाँ पे इसको हम एज ए सिटिंग यूज़ करते हैं। मेरे पीछे जो ये कॉटेज है इसमें 4 रूम्स हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एंट्री है। ग्राउंड फ्लोर वाले 2 रूम्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, सो दैट एज ए वन फैमिली आप इसको एज ए वन यूनिट आप इसको यूज़ कर सकें। जितना भी मटेरियल हमने लगाया हुआ है दैट इज़ एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स यूज़ किया हुआ है, एक इसको रॉ टच देने के लिए फार्म हाउस में। ये सारी जितनी कॉटेजेस हैं इनको हमने पाथवे के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट ये आपस में सारी इंटरलिंक्ड लगे। हर एक कॉटेज के सामने वरांडा है टू सिट आउट। ये एक कॉमन सिटिंग एरिया है जहाँ पे इवनिंग में, मॉर्निंग में फ्रेंड्स, फैमिलीज आपका, यू कैन रिलैक्स टुगेदर, यू कैन टॉक टुगेदर, और आप एंजॉय कर सकते हैं विद द फुल व्यू ऑफ द गार्डन इन फ्रंट। इसी सिटिंग के पास ये हमने एक फायरप्लेस बनाई हुई है विच इज़ अंडर द फ्लोर। सर्दियों में हम इसको यूज़ करते हैं टू हैव दैट वार्म फीलिंग अराउंड इट एंड देन वी एंजॉय इन विंटर्स। फ्रेंड्स जो मेरे पीछे आप ये कॉटेज देख रहे हैं इसमें 4 इंडिपेंडेंट रूम्स हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के 2 रूम्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट भी हो जाते हैं फॉर ए फैमिली विथ चिल्ड्रन टू हैव टू यूज़ इट एज ए वन कम्प्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट। चलिए मैं आपको एक रूम के अंदर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं मैं उसको आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड ये जो स्टेयरकेस में हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, ये लेदर फिनिश ग्रेनाइट है, सो दैट ये नॉन स्लिपरी वे से एक्ट करे, आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जितना भी हमने ये फार्म हाउस में बाहर का ग्लेजिंग डोर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं ये हमने मेंटेनेंस फ्री
मटेरियल यूपीवीसी में यूज़ किया हुआ है, सो दैट इसकी कभी भी वियर एंड टीयर ना हो, कभी भी कोई टर्माइट का प्रॉब्लम ना हो और आपको कम से कम मेंटेनेंस का यहाँ पे इशू रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा टिपिकल रूम का इंटीरियर है इस फार्म हाउस में। ये रूम का साइज अप्रॉक्सीमेटली 15 फुट बाई 15 फुट का है। जितने भी बेड्स हैं इस फार्म हाउस के रूम्स में, वो सारे के सारे ग्रीन एरिया को फेस करते हैं। आपके पास 2 चेयर्स बैठने के लिए हैं। इस फार्म हाउस में किसी भी रूम में टीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट बनाते हुए यही था कि जब आप फार्म हाउस में रिलैक्स करने आए हैं वीकेंड पे विद फैमिलीज विद फ्रेंड्स, तो देर इज़ नो टाइम टू वॉच टीवी। आपको अपने आपस में रिलैक्स करना है, बातें करनी है, एंजॉय करना है। ये बेड के पीछे यहाँ पे हमारा हर रूम में ये एक ड्रेसिंग एरिया है, वार्डरोब एरिया है फॉर शूज़, फॉर योर लगेज, फॉर योर क्लोथ्स, टी कैटल एरिया। ये सारा ओपन कॉन्सेप्ट है विदाउट एनी डोर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। एंड इसी के साथ ये हमारा वैनिटी कॉन्सेप्ट, आर WC एनक्लोजर, शावर एनक्लोजर, विच इज़ काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ रूम ओनली, बट ये इंडिपेंडेंट बिहेव करता है, येट इट इज़ पार्ट ऑफ रूम। तो ये पूरा एक नो डोर कॉन्सेप्ट से आपको एक लग्जूरियस एरिया मिलता है, रिलैक्सिंग एरिया मिलता है। सारे रूम्स में एयर कंडीशनिंग है। जितनी भी पेंटिंग्स हमने यूज़ की हुई हैं उनका कॉन्सेप्ट भी हमने एक वीकेंड हॉलीडे कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको आर्ट वर्क को हमने एनहेंस किया हुआ है। सभी रूम्स के साथ ये हमें एक एक्सटेंडेड वेरांडा या बैल्कनी कह सकते हैं इसको, वो हमें मिलता है विद टेबल एंड चेयर्स टू रिलैक्स। और जहाँ से आपको ये कम्प्लीट अपने गार्डन का, अपने फार्म हाउस का और आसपास के फील्ड्स का पूरा एक व्यू मिलता है, जो कि एक बहुत शानदार आपको एक रिलैक्सिंग मोड पे और एक अच्छा आइज़ को कैची व्यू के हिसाब से आपको प्रभावित करता है। तो सर ने बड़ी मेहनत से आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सर, अगर हमारे कई क्लाइंट्स हैं, उनके पास लैंड है, वो इसी तरीके का कुछ अलग कंसेप्ट तैयार करवाना चाहते हैं, तो हमारी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है? जी बिल्कुल। और देखिए, हर क्लाइंट का अपना अपना एक विजन होता है। हम उनके विजन के हिसाब से, अपनी इनपुट के हिसाब से अब हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मिलजुल के एक नया कॉन्सेप्ट भी हम निकाल सकते हैं। आपको कोई भी सर्विसेज की, इस तरीके की सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रवि को, मुझे, और हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, सर का काम आपने ऑलरेडी देख लिया है, सबको पसंद आता है। जैसे मिनी रिजॉर्ट विला आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पहले, होपफुली इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। तो किसी तरीके के भी आर्किटेक्ट वर्क के लिए कंस्ट्रक्शन आप ऐसी करवाना चाहते हैं जो आपको एक अलग कंसेप्ट पेश किया जाए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम हमेशा कोशिश करेगी आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाइफ साइट विजिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू।